corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, caste, art, development, corruption. यह वह लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, जिसकी उम्र 12 साल है, इसी के साथ एक लड़की की भी शादी हो चुकी है जिसकी उम्र 8 साल है। इन दोनों लड़कियों की शादी के बारे में कुछ पता नहीं है। ये लड़कियां पढ़ने भी नहीं जाती हैं। इन लड़कियों का कहना है कि हमारी शादी हो चुकी है और अब हम पढ़ के क्या करना है। इन लड़कियों को शादी से संबंधित कोई जानकारी नहीं है और ये भेड़ों को चराने जाती हैं। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 2-3 साल है। तो अब तुम पढ़ने जाती हो या क्या करती हो, घर पे ही रहती हो? भेड़ चरा। तो पढ़ने क्यों नहीं जाती हो तुम? यही काम है भेड़ों को। तो आजकल तो पढ़ते हैं ना, बच्चियों को तो पढ़ने भेजते हैं, तो तुम पढ़ने क्यों नहीं जाती हो भाई? मैं तो भेड़ी चराऊं। भेड़ी चराऊं? और यही अब पढ़ना चाहती हो तुम और आगे? जैसे तुम्हें भेजें घर वाले तो पढ़ना जाओगी स्कूल? नहीं जाना चाहती हो? और शादी के बाद तुम्हें पता है क्या होगा तुम्हारे साथ में? तुम ससुराल जाओगी जो तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है तुम्हारे साथ में? तुम्हारी छोटी उम्र है अभी शादी की। तुमने कितने साल हो गए तुम्हारी बच्चियों की शादी करे हुए? 2-3 साल है। तो आपने शादी क्यों करी इतनी छोटी उम्र में इनकी बच्चियों की? ऐसे ही कर दे। मैं तो यो तो सोचनी चाहिए, आपको छोटी है और अभी ये ससुराल कितने साल बाद जाएंगे भैया? अब ये तो हाल बहुत 2-3 साल पीछे। 2-3 साल बाद में? तो अभी इन्हें आप पढ़ावे नहीं भेजो स्कूल में? नहीं सर। क्यों नहीं भेजो इन्हें पढ़ावे? पढ़ावे तो भेजना चाहिए ना आजकल लड़की ने। तो नहीं, भेड़ तो चराए, भेड़ चरावे तुम्हारा काम है, पर इनको आपको सोचनी चाहिए, अपनी बच्चन की जिंदगी खराब होगी इनको स्कूल भेजे हम। सही बात है, तो खैर अपन ने भेजी ही नहीं। तो अब और भी बच्चे होंगे आपके? कितने बच्चे और हैं? अपन के 3-4 तो बच्चे हैं। अच्छा, तो दोनों की शादी, कितने इनकी शादी करी हम? दोनों की शादी कर दी। तो अब दो छोटी हैं, कितनी उम्र की होंगी छोटी बच्ची? दो छोटी बच्ची है, पांच एक तो 3-4 साल की। अच्छा, एक 5-6 साल की। तो उनकी भी आप शादी जल्दी करोगी या कैसे? नहीं सर, नहीं करोगे आप? तो नहीं करोगे? वही नहीं, सरकार से। सरकार से नहीं होती है। महिलाओं को प्रजनन के दौरान मौतों के मामले में राजस्थान लंबर नंबर पर है, क्योंकि यहाँ पर बाल विवाह अधिक मात्रा में होते हैं और कानून होने के बावजूद भी सरकार एवं कानून लागू करने वाली एजेंसियां इस सामाजिक बुराइयों को रोकने में नाकाम रही। मैं सुनीता कसेरा, राजस्थान के करौली जिले से, इंडिया नेट।